बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होगा और थोड़ा सा हटके भी होगा। उसकी वजह यह है कि आज हम अफ्तारी के लिए हम कुछ ना कुछ हमने कहा कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बना दें, ऐसा हो जाएगा हमारा भी, ठीक है। तो मैंने आज कोशिश की है कि घर वालों के लिए आज हम बनाएं अपने हाथों से पकौड़े। तो गार्डन में बैठे हुए, मैंने कहा चलो यहीं पर बैठ के आज ना अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो मैंने देखा कि टॉप ट्रेंडिंग पर बड़ी वीडियो जा रही है जो रेसिपी बना रहे हैं, तो हमने भी रेसिपी बनाने की कोशिश की है। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान के स्पेशल पकौड़े, जो टॉप ट्रेंडिंग की चीज़ होती है। जो आप रफ्तारी पर बैठते हैं तो और कुछ होना हो, पकौड़े ना हो तो हमारी रफ्तारी नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे आके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहीं से व्लॉग शुरू कर लेते हैं आज हमारा व्लॉग, और कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो रेसिपी भी आप अपना व्लॉग बनाते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये दिखाओ। ये हमने यहाँ पे सामान रख लिया, आलू पड़े हुए, प्याज पड़ा हुआ, ये जो बाकी मसाले हैं, ये अपना बेसन पड़ा हुआ, ठीक है। तो मेरे तक ले आओ। कैमरा मान हमारा नया, तो उसको बेचारे को पता नहीं कैमरा कैसे यूज़ करना है, तो मैं उसको बता रहा हूँ साथ साथ के कैमरे को यूज़ कैसे करना है। तो अभी हम जाते हैं उधर, हमारे पालक लगी हुई, हम पालक उतारेंगे। तो कोशिश करेंगे आज, देखिए हमें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में कि कैसे बनाते हैं, लेकिन आज हमने कोशिश करनी है कि आप हम अपने हाथों से पकौड़े बनाएं, कोशिश करेंगे। तो आपने कमेंट में बताना है इससे बेहतर कोई तरीका होगा तो अच्छा। आपको एक और बात बताऊं कि रमज़ान में हम कोशिश करेंगे कि आप जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं वो रेसिपी भी की जाए, रेसिपी को अच्छी से अच्छी लेके वो आपके लिए लाई जाए, ताकि आपको आइडिया दिया जाए। आपको आइडिया क्या देना, आप मुझे आइडिया दें कि हम क्या चीज़ बनाएं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि हम रोज़ाना की बेस पर, हम रोज़ाना एक चीज़ बनाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि हम रोज़ाना की बेस पर क्या बनाएं। आज हम स्टार्ट अपना पकौड़ों से लिए, क्योंकि सबसे छोटे वाली सबसे निचले लेवल पर ये डिश होती है, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा है सबसे निचले लेवल पर, लेकिन टॉप ट्रेंड पर होती है ये, पकौड़े ना हो तो इफ्तारी नहीं होती। हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर से बेहतर बनाने की। अभी चलते हैं पालक तोड़ने के लिए, वहाँ पे सामने पालक लगी हुई है, पालक तोड़ते हैं। तो पालक को तोड़ के तो देखते हैं कि हमारे गार्डन में पालक है भी कम, तो हमने कोशिश की है कि अपने गार्डन से पालक तोड़े। तो चलते हैं पालक तोड़ने के लिए, चलते हैं अभी पालक तोड़ने के लिए। पालक तोड़ने के लिए जो है मैंने बाउल पकड़ लिया, आलू जो हमारे पड़े हुए थे वो मैंने यहाँ पर रख दिया, ये दिखाओ आलू इसमें से निकाल के मैंने यहाँ पर रख दिया। मैंने चलो ठीक है, अब हम चलते हैं पालक तोड़ने के लिए। पालक तोड़ते हैं वहाँ से, तो देखते हैं कि पालक हमारी कितनी कितनी है। पालक अभी है छोटी, ये दिखाओ उधर आके, यहाँ सब तोड़ते हैं पालक। ये पालक है हमारी यहाँ पे लगी हुई है, बड़ी प्यारी पालक है, ये पालक लगी हुई है, ये वाली यहाँ से हमने तोड़नी है पालक। तो देखते हैं कि पालक कैसी है यहाँ पे। पालक है जी, इसको तोड़ते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक, ये दो, हमें कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने घर वालों से पूछा था कि कैसे तोड़ते हैं, तो मुझे पता चला कि इसको ऐसे तोड़ना है। तो ये जहाँ जहाँ पालक लगी हुई, पालक लगी हुई भी कम है, तो हमारे हाथ में सही पालक ही नहीं आ रही। ये पालक है इधर लेके आओ नज़दीक, ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी प्यारी पालक है, कितनी प्यारी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है। चलो पीछे ले जाए थोड़ा सा, और तोड़ लेते हैं पालक हम धुलवा के ले आए जी। पालक हमारे धो के ये साफ आ गई हमारे पास, ठीक है। पालक को काटते हैं, मुझे कोई खास आइडिया भी नहीं है, लेकिन इसको कोशिश करते हैं, इसके ऊपर लेके आओ कैमरा, इसको काटने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे पकड़ना है, मैंने आइडिया लिया हुआ घर वालों से, ऐसे ऐसे ऐसे, अल्लाह करे कि ठीक से ठीक हो जाए। अब इसको बनाते हैं पालक को, ये हमने कर लिया पालक जी, इसको इकट्ठा कर, नहीं ये नहीं करना, ये पालक हमने इकट्ठी करनी है। इसको घर इधर करो, पहले घर वालों ने कहा था कि यहाँ से इसको काटना है, ऐसे ऐसे, ये जी इसका गंद इकट्ठा साइड पे हो गया, ये ऐसे पालक थोड़ी मोटी काट रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ठीक कर जाए। मुझे को काटनी कूटनी नहीं आती, लेकिन आज आपके व्लॉग्स की खातिर मुझे करना पड़ेगा। मेरे पे कैमरा करो, मेरे पे आपके व्लॉग्स की खातिर मुझे कैमरा थोड़ा नज़दीक लेके आओ, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा है। मुझे काटनी कूटनी नहीं आती, लेकिन आपकी खातिर मैंने ये भी काटना शुरू कर दिया। अगर अब भी आप लाइक सब्सक्राइब ना करो तो फिर फ़ायदा फुदा कोई नहीं है। इसके ऊपर करो दोबारा, ये जो पालक रहेगी इसको भी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, थोड़ा तेज़ हाथ चलाएँ हैं, व्लॉग काफ़ी लंबा ना हो जाए। हमने कोशिश करनी थी कि 10-11-12 मिनट में व्लॉग को ख़त्म करना है हमने। मैं भी आ रहा हूँ है, मैं भी आऊँ, ये पालक भी आए, ताकि उनको पता लगे वाकई मैं काम कर रहा हूँ। वो ये ना कहना कि किसी और से काम करवा रहा है, अपनी वॉइस पीछे लगा दी है। ये जी आ गया अब्दुल वासे, वासे इधर मेरे पास आओ, पीछे जरा वासे देख के करो, हाँ एक कैमरे हाथ लाओ उधर, बोलो क्या हाल है, ठीक है। उनको बोलो क्या हाल है, ठीक है, बोलो हमारी वीडियो पसंद आती है, बोलो लाइक कमेंट करें, लाइक कमेंट करें। अच्छा जी, बस ये पता क्या बना रहा हूँ जी, पकौड़े। पकौड़े हाँ खाओगे, खाऊंगा, पक्की बात है जी। आज मैंने कहा मैं वासे के लिए पकौड़े बनाता हूँ, ठीक है, आलू डालेंगे। हाँ आलू, आलू भी डालते हैं। अच्छा नज़दीक लेके आओ, अब इसको हम करते हैं शिफ्ट इसके अंदर, जितने भी है
हमने यार सारा पालक हमने यहाँ पे काट लिया इसके अंदर। अब ये जो गंद, ओ चुप करो चुप, एक मिनट रुको, ये जो गंद है इसको हम इसके अंदर फेंकते जाएंगे, ये वाले के अंदर, ये वाला और ये वाला। अब आई है बारी आलुओं की, तो नज़दीक लेके आओ ज़रा, आलू भी मैंने काटने सीखे हैं। आलू इसके ऊपर नज़दीक लेके आओ ज़रा, ये देखें ये ऐसे कहते हैं कि बारीक छिलका, मेरी तरफ करो ऊपर करो, कहते हैं नज़दीक लेके आओ ना, कहते हैं बारीक छिलका काटना चाहिए लेकिन जो है ना मुझे काटने नहीं होगा मुझसे है, तो कोशिश करता हूँ कि काटने हो जाए। इसके ऊपर करो ज़रा, ये देखेंगे माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं जी। दिन के टक्का दिन दिन तुम क्या कर रही हो? बाद में प्याज डालेंगे किसके साथ? फिर उसके बाद प्याज डालेंगे। ये भी बड़ा यूनिक तरीका जी, इसके साथ ऐसे करके ना आलू को काटना, इसके साथ क्या होता है कि आसानी हो जाती है। भाई वो वाले हम जो खाने वो ऐसे वाले ऐसे, हाँ वो लेके आओ जरा, जाके जाओ इसको किसी काम पे लगाते हैं, अगर ये ना गया इसने हमें यहाँ पे आए तंग तुंगी करना। आलू हमने धुलवा लिए यार, आलू हमारे धो के इधर इसके ऊपर लेके आओ और नज़दीक लेके आओ, आलू हमारे पूरे हमने धो लिए, आलू हमारे आ गए यहाँ पे रेडी हो गए। अब इनको काटते हैं जी, ऐसे इनको बारीक काटना है, ऐसे ला के ना यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके आलू काटना फिर ऐसे करके, ठीक है अच्छा ओए, फिर ऐसे ऐसे करके सबको काटना, ये हम ज़्यादा बारीक, ज़्यादा बारीक कर रहे हैं ना, है ना, थोड़ा मोटा करते हैं इसको, कुछ करते हैं लेकिन ऐसे आसानी से काटे जा रहे हैं। ये एक बारीक हो गया हमसे, इसको हम ना मोटा ही करेंगे, बाकी जो आलू होंगे। एक और तरीका जिससे मुझे बताया हुआ था, कैमरा मेरी तरफ करो, एक और तरीका जिससे मुझे बताया हुआ था उससे बाकी जो आलू हैं उस तरीके से काटेंगे। आलू कट गए हैं जी, कट गए हैं। सबसे पहले जी हम बेसन डालेंगे इसके अंदर, ये इधर डालो, ये देखो ये ऐसे करके इसको, ठीक है इसको और डालेंगे हमें बेसन, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितना डालना है इसके अंदर बेसन, लेकिन फिर भी डालो, ये देखिए काफ़ी है मेरे ख्याल से, मेरे कैमरा मैन थोड़ा सा है इस चीज़ में लेकिन मुझे कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं है, मेरे ख्याल में काफ़ी है बेसन, बस इधर मेरी तरफ करो, बेसन काफ़ी है मेरे ख्याल से, ठीक है बेसन को करते हैं बंद, इधर करो आप। अब डालते हैं जी इसके अंदर ये ग्रीन मिर्ची, अपना रेड चिली, आए रेड चिली का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, इतनी काफ़ी है, ये इतनी रेड चिली डाल दें इसके अंदर, थोड़ी और डाल देते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर करो, ये इधर करो आप, ये देखिए जी ये रेड चिली आ गई इसके अंदर, ठीक है मेरी तरफ करो आप, रेड चिली अब हो गई, बंद करते हैं इसको रेड चिली। अब इधर करो, ये हमारे पास सूखा धनिया पड़ा है, ये भी डालना चाहिए, अच्छा होता है, बेटर होता है ये, ठीक है अब इसको डालते हैं जी, इधर करो ये एक चम्मच, थोड़ा सा और डाल लेंगे जी, ये इतना काफ़ी है, चलो ये जी साफ़ पड़ा हुआ करके रखा हुआ सब घर वालों ने, तो ये जी हो गया, बस करो इधर करो, ये बंद हो गया जी। इसके बाद बारी आती है जी नमक, इसके ऊपर लेके आओ नमक, नमक इतना डालना है, इतना इतना नमक डालना है, बस पानी आ गया जी, पानी डालते हैं, नज़दीक लेके आओ पानी के बिल्कुल करीब ले आओ, पानी जग आए, जग आ रहा है, ये देखते हैं जी कितना पानी डालना है, जग आ रहा है इसके अंदर जी, इतना पहले डालते हैं पानी, इसको मिक्स करते हैं, मुझे लगता है पानी भी ज़्यादा हो गया हमसे, नहीं पानी ज़्यादा नहीं हुआ ये ऐसे, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा हो गया पानी, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल देते हैं, बेसन को मिक्स करते हैं थोड़े से, ये बेसन काफ़ी है, ठीक है अब इसको करते हैं जी मिक्स, तो फिर देखने के कैसा बनता है, बेसन आ गया थोड़ा सा और, इसको थोड़ा सा घना भी करना है हमने ऐसे, हाथ को धोना आपने भी जब इसको करना है ना, अभी गंदे तरह शुरू ना हो गया ना धोना भी हाथ, कुछ होते हैं जो ऐसे शुरू कर देते हैं गंदीले से गंदे। आज ये बड़े ख़ास लोगों की फरमाइश में बना रहा हूँ ये डिश,
ये फरमाइशें थी काफी कि अपने व्लॉग में कोई डिश डुश भी लेके और रेसिपी लेके और शेयर करो। अभी हम पहुंच गए चूल्हे के ऊपर, अभी अपनी मसाले रेडी करके रखा हुआ था, ये आ गया सर अम्मी को, जो पहले आपने सारा सामान मिक्स कर लिया था, अभी ला गया रख लिया उस सबका मिक्सचर। नमाज पढ़ के फ्री हो गए, मेरे को रमजान का रोज का भी टाइम हो गया, तो अभी इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो उससे पहले हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको अब मुझे गर्म गर्म लग रहा है, मेरे ऊपर गिर गुर ना जाए हैं, तो अरे इतना काफ़ी है। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो थोड़ा नज़दीक लेके आओ, दिखाओ जरा नज़दीक लेके आओ, ये देखिए थोड़ा और नज़दीक लेके आओ, उसको क्रॉप करके लो जरा, वाह 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 वाह, इसके ऊपर ले, इसके ऊपर लेके आना इसको ऐसे। बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन पहले काम नहीं किया, लेकिन आप भी इंशाल्लाह रेसिपी को ना रमजान में शेयर करते रहेंगे, क्योंकि रेसिपी का बड़ा ये ना कि मतलब ट्रेंड पे चल रहे, रमजान में रेसिपी ट्रेंड पे चलती है, तो कोशिश करेंगे जो ट्रेंड का चीज़ होती है उसको लेके आए हम। अभी अभी आज का अगर ब्लॉग चल गया तो इंशाल्लाह फिर आगे भी कोई ना कोई रेसिपी आती रहेगी। तो अभी हम ए डालते हैं इसके अंदर एक आधा और, पहले हमारे पकौड़े जो रेडी हो गए, इसके ऊपर नज़दीक लेके आओ कैमरा मैन, जरा इनको दिखाओ जरा, ये हमारे पकौड़े हैं जी माशाल्लाह रेडी हो रहे हैं बड़े लेवल के, और नज़दीक लेके जाओ और नज़दीक लेके जाओ, हैं ये हमारे पकौड़े जो रेडी हो रहे हैं कुछ ना कुछ, बल्कि पूरे रेडी हो गए मेरे ख्याल से, पूरे रेडी हो गए, बनाने बनाने नहीं आते, लेकिन कोशिश हमारी यही कि रेडी हो गए हैं, बल्कि लग भी यही रह के रेडी हो गए हैं, रिजल्ट बड़ा कमाल के दे रहा हूँ भाई। इनको निकालते हैं जी भाई, ये इसके साथ थोड़ा सा इसका आसरा लेंगे, आसरा लेंगे पंजाबी भी आसरा लेंगे, इसके ऊपर लेके आओ मेरा पकौड़ों के ऊपर, ये जी ऐसे, तो ये सारे पकौड़े जी माशाल्लाह सुभानअल्लाह, ये देखिए जी बड़े प्यारे पकौड़े बन गए, इनको ला दिया तो रखिए इसके ऊपर, देखो जी बड़े प्यारे लग रहे हैं पकौड़े, मैं खा के चेक करवा नहीं सकता आपको, क्योंकि मेरा भी रोज़ है, अगर रोज़ाना होता तो मैं आपको ज़रूर चेक करवाता, ठीक है। अब मिल के अब जो ना ये ट्राई करेंगे ब्लॉग को, हमने ये भी एंड करना है, बंदे का अफ्तारी में आपको दिखाएंगे हमने पकोड़े कैसे बनाए और कैसे खाए, ठीक है। बाकी जो हम पकोड़े बना के तो ड्रेंट आपको फिर अफ्तारी में मिलते हैं। फाइनल हमारे पकोड़े बन गए माशाल्लाह, ठीक बड़े लेवल के पकोड़े बने, देखिए इनकी शक्ल आपको दिखा दूँ, बड़ी प्यारी शक्ल बनी है, ठीक है। अब इनको ट्राई करते हैं, अफ्तारी का टाइम और आप इनको ट्राई करें, ठीक है। बाकी अफ्तारी करके तो फिर आपसे मिलते हैं आपके साथ, एक मिनट रुको ट्राई करके, वाह उम्मीद तो नहीं थी लेकिन उम्मीद से काफ़ी अच्छे बने पकोड़े, अब इनको ट्राई भी करें, अफ्तारी करके तो फिर आपसे मिलता हूँ जी यार। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी होगी हमारी, अफ्तारी करके बिल्कुल फ्री होके मैं बिल्कुल रेडी शेडी होकर बैठ के मैंने कहा नमाज पढ़ी, अभी नमाज पढ़ के मुंह देखे नूरानी काफ़ी हो गया, नमाज पढ़ पढ़ के नमाज पढ़नी चाहिए। तो आज का हमारा जो व्लॉग था उसके बारे में बताऊँ कि ये पकौड़े हमने बनाई, रेसिपी बनाई है, तो आप सब ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और बताएं कि नेक्स्ट हम रेसिपी जो है वो कौन सी बनाएं, ठीक है। हम खुद भी बनाएंगे, आप भी मुझे एडवाइस करें कि नेक्स्ट कौन सी बनाएं, और मुझे बताएं कि कैसे बनानी चाहिए, ठीक है। तो हम आपकी रेसिपी भी ज़रूर वो जो ना हम उस पर देखेंगे कि कैसे बनानी है और कौन सी रेसिपी आप हमें प्रेफर कर रहे हैं, ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स में लाइक करना, बड़ी मेहनत की आज के व्लॉग पर, आप सब ने लाइक कमेंट्स लाजमी करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।